चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। वादी बैंक ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत वसूली राशि 5,12,920.80 रुपए हेतु प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि वादी बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत पंजीकृत बैंकिंग कंपनी है। फुल स्टॉप। श्री मोहित दीवान वादी बैंक के सम्यक रूप से नियुक्त अधिकृत प्रतिनिधि है, जो कि वादी बैंक की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत करने, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, न्यायालय में वादी बैंक की ओर से प्रतिनिधित्व करने, हस्ताक्षर करने, स्थापित करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने, बयान देने एवं वाद से संबंधित अन्य समस्त कार्य जो कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु वांछित एवं आवश्यक हो करने के लिए अधिकृत है। फुल स्टॉप। प्रतिवादी गण ने अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने हेतु वादी बैंक से ओवरड्राफ्ट ऑब्लिक क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने हेतु निवेदन किया। फुल स्टॉप। प्रतिवादी गण के आवेदन व पेश दस्तावेजों के आधार पर तथा सम्यक व सामान्य सत्यापन के बाद एवं प्रतिवादीगण द्वारा ओवर ड्राफ्ट ओब्लिक क्रेडिट सुविधा की नियम व शर्तों को स्वीकार किए जाने के पश्चात वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण को रुपये 5 लाख की ओवर ड्राफ्ट ओब्लिक क्रेडिट सुविधा जरिए खाता संख्या 6038050202870 दिनांक 2/2/2007 को स्वीकृत की गई। फुल स्टॉप। प्रतिवादी गण द्वारा बिजनेस लोन आवेदन पत्र मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट डीड ऑफ गारंटी व अन्य दस्तावेजात सम्यक रूप से हस्तांतरित व अभिस्वीकृत किए गए थे। इस प्रकार उनके द्वारा ओवर ड्राफ्ट ओब्लिक क्रेडिट सुविधा के उपयोग व भुगतान के नियम व शर्तों को स्वीकार किया गया था। फुल स्टॉप। पैरा। प्रतिवादी गण ने वादी बैंक से ओवर ड्राफ्ट ओब्लिक क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के पश्चात उक्त सुविधा का उपयोग किया और प्रतिवादी गण के निवेदन पर वादी बैंक द्वारा प्रतिवादी गण को प्रदत्त उक्त सुविधा के समयावधि को पुनः बढ़ाया गया। फुल स्टॉप। वादीगण ने उक्त सुविधा का उपयोग किया और राशि का नियमित व संपूर्ण भुगतान वादी बैंक को नहीं किया और भुगतान में डिफॉल्ट कारित करना शुरू कर दिया, जिससे प्रतिवादीगण के खाते में बकाया राशि के अतिरिक्त लेट पेमेंट राशि, ब्याज व ओवर लिमिट की राशि जुड़ती रही और दिनांक 19/12/2016 तक 5,12,920.80 रुपये बकाया हो
गए, जिसे वादी बैंक प्रतिवादी गण से एकमुश्त प्राप्त करने का अधिकारी है। फुलस्टॉप, वादी बैंक ने बकाया राशि की अदायगी हेतु प्रतिवादी गण से कई बार मौखिक रूप से कहा एवं लिखित में ओडी रिकॉल नोटिस दिनांक 25/8/2016 को प्रेषित कर तलब तकाजा किया, किंतु प्रतिवादी गण ने बकाया राशि का भुगतान वादी बैंक को नहीं किया, इसलिए प्रतिवादी गण से उक्त बकाया राशि वसूल करने के लिए यह वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प वादी बैंक के पास शेष नहीं रहने के कारण यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। फुल स्टॉप पैरा। अतः मैं वादी बैंक ने प्रतिवादी गण के विरुद्ध वाद कारण उत्पन्न होना बताते हुए दावा उचित न्याय शुल्क पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अंदर मियाद पेश करना बताते हुए निवेदन किया कि वाद वादी बैंक विरुद्ध प्रतिवादी गण बाबत वसूली 5,12,920.80 रुपए में वे बिक्री किया जावे तथा वास्तविक वसूली होने तक उक्त राशि पर नियमानुसार दर से ब्याज व अन्य खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे। फुल स्टॉप। साथ ही न्याय शुल्क व वाद व्यय भी प्रतिवादी गण से दिलाया जावे। फुल स्टॉप पैरा। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि हस्तगत वाद पत्र वादी द्वारा न्यायालय में बाबत वसूली हेतु अंतर्गत आदेश 37 नियम 2 CPC के तहत पेश किया गया था। तत्पश्चात प्रतिवादी गण को नोटिस जारी कर तलब किया गया, किंतु उनकी तामील नहीं होने पर उनके नोटिस अखबार में प्रकाशित कराने के आदेश दिए और दिनांक 13/9/2022 को प्रतिवादी गण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। फुल स्टॉप। प्रकरण में प्रतिवादी गण की ओर से प्रतिरक्षा की अनुमति हेतु कोई आवेदन भी नहीं किया गया। फुल स्टॉप। इस संबंध में संबंधित विधि का अवलोकन किया जाए तो आदेश 37 नियम 6 के में यह प्रावधान किया हुआ है कि यदि प्रतिवादी ने प्रतिरक्षा करने की इजाजत के लिए आवेदन नहीं किया है या यदि ऐसा आवेदन किया गया है और नामंजूर कर दिया गया है तो वादी तत्काल निर्णय का हकदार हो जाएगा। फुल स्टॉप समाप्त।